कल देखिए कार्यालय में हम बैठे थे तो एक अशोक रजक यही नगोशा टाउन में रहने वाले वो हमारे पास आए थे। उनका था कहना कि उनकी भांजी का किसी ने किडनैपिंग कर लिया, तो कॉलेज जो गई थी किडनैपिंग कर लिया है, और उसके बाद फिर उन्हें एक फिरौती का भी कॉल गया था कि लड़की वापस चाहिए तो पैसा रुपया वापस देना होगा, 10 लाख का डिमांड था। तो हम लोग कल जैसे संज्ञान में आया, हम तत्क्षण SDPO ने तो एक टीम गठन किया SIT का, जो SDPO साहब से SHO टाउन पद्मभूषण थे, और केस का IO मनीष कुमार जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इसमें बीरपुर थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी कदवा और उमा शंकर SI हैं टाउन थाना में, और बजरा प्रभारी रमानी, ये सबों की टीम बनाई गई, और DIU की टीम लगातार कल दिन से ही लगातार काम कर रही थी। और जो जो से फिर सूचना प्राप्त हुआ उसके आधार पे पहले तीन की गिरफ्तारी होती है सीडीपुर से, एक आयुष है, एक गौरव कुमार है, एक उसी का दोस्त है जो लड़का नाबालिग, तीनों की निशानदेही पे। जो लड़की जो ये वादी है असुरजक जो भांजी थी उसे बरामद किया गया, भागलपुर से बरामद किया गया। तो कहानी इसमें ये था कि जो लड़का था इसका, जो लड़की जो सो कॉल्ड किडनेपिंग हुआ है, इसका प्रेम संबंध था जो लड़का आपका इसमें कम उम्र का नाबालिग है, पहले से लोगों में जान पहचान था, और लड़का को ऑनलाइन गेम का खेलने का आदत था, लत था, वो ऑनलाइन बेटिंग करता था, उसका काफ़ी पैसा उसमें डूब गया था, अबाउट 40,000 पैसा था उसमें, ये था काफ़ी दबाव में था, वो प्रेशर में था। तो लड़के तीन लड़कों ने प्लानिंग किया, ये तीन लड़कों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं किसी को ये जो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उससे बात करो, उसे दबाव में लो, ताकि एक लोग किडनेपिंग का एक ड्रामा करते हैं और इनके लोग पैसा वसूलते हैं घर वालों से। ये तीनों लड़का मिल करके लड़की को अपने जाल में फंसा करके, ना लड़की को अपने जाल में फंसा के झूठ फूस बोल करके एक किडनेपिंग का एक ड्रामा रचा, ताकि उसे पैसा प्राप्त होगा, ताकि ऑनलाइन गेमिंग जो पैसा वो जो क्षति हुआ था उसकी प्रतिपूर्ति हो सके। ये जो टीम था अच्छा काम किया, अच्छा। भागलपुर के नगछिया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां प्रेमी को ऑनलाइन गेम में नुकसान होने पर BA की छात्रा ने खुद अपहरण की साजिश रच डाली। प्रेमिका ने अपने प्रेमी से नाना को फोन करवाया और प्रेमी ने फोन पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और नहीं देने पर हत्या करने की धमकी भी दे डाली। नगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान कर प्रेमी आशीष कुमार और उसके दो सहयोगियों आयुष और गौरव कुमार को श्रीपुर से गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर प्रेमिका नेहा को भागलपुर के एक लॉज से बरामद किया गया। SP ने बताया कि आशीष ऑनलाइन गेम में पैसे लगाता था, इसमें उसे नुकसान हुआ तो अपहरण की साजिश रच डाली, जिसमें उसकी प्रेमिका नेहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। SP ने बताया कि नेहा और आशीष में हाल के दिनों में नजदीकियां बढ़ी थी। आशीष को ऑनलाइन सट्टा खेलने का लत था और इस दौरान उसे 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। आशीष के मित्रों आयुष और गौरव ने उसे सलाह दी कि वो नेहा से बात करे। इसके बाद नेहा खुद अपने प्रेमी और उसके मित्रों के द्वारा अपहरण करवा कर अपने नाना से 10 लाख रुपए फिरौती लेने की बात कही। पुलिस ने पूरे मामले पर से पर्दा उठाते हुए प्रेमी और उसके दो सहयोगियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं प्रेमिका के द्वारा खुद प्रेमी से अपने अपहरण की साजिश रचाए जाने का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।